स्टूडेंट वेलकम टू योर चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक लाइट। व्हाट इज लाइट? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस, प्लेन मिरर एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट लाइट। स्टूडेंट इफ यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट इज लाइट, then mostly student give answer Prakash, but this is not right answer. Right answer is definition of light. What is definition of light? Light is a form of energy which enable us to see objects from which it comes or from which it is reflected. Light जो है वो एक energy का form है जो हमें किसी object को देखने में help करता है। जिस object से वो light आ रही होती है या जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती है, तो लाइट से हमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट मिलती है और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर वापस जाती है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। होगा यहाँ पे सेंसेशन ऑफ विजन मतलब लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे हमें कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल करती है? एक डार्क रूम है, अगर उस डार्क रूम में आप देखिए एक होल कर दीजिए, उससे जो लाइट आती है, अगर उस लाइट के रास्ते में आप कोई चीज़ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइट जो होती है तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। लाइट में पार्टिकल्स और वेव्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। सन गिव्स अस लाइट। सन जो होता है वो हमें लाइट देता है, इसीलिए हम उसे देख सकते हैं। सन की जो लाइट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, इसीलिए हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो जिसके पास लाइट होती है और जिसके पास लाइट नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दैट ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट। जिनके पास खुद की लाइट होती है, देयर ओन लाइट, जिनके पास खुद की लाइट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे सन, सन के पास खुद की लाइट होती है। लैम्प, लैम्प के पास खुद की लाइट होती है। कैंडल। ओके, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। जब उन ऑब्जेक्ट पे किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है और वो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस जाती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चेयर, टेबल, मून एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कहेंगे कि मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं? मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि मून के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है। मून के ऊपर भी जब सन की लाइट पड़ती है और वो सन की लाइट मून से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है और हमारी आंखों में पड़ती है, तभी हमें मून दिखाई पड़ता है, इसीलिए मून भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि वो भी हम बाद में बताएंगे, पहले हम बताते हैं कि जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे पड़ती है तो तीन तरह के ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं। या तो वो पूरी तरह से लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है, पूरी तरह से मतलब ऑब्जेक्ट के पार चली जाती है, या रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस चली जाती है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसको वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ब्लैक दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब है इस दुनिया में जितनी भी ब्लैक चीज़ें हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाली जितनी भी लाइट होती है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन हमारा जो ब्लैक बोर्ड है जो हमारे स्कूल में होता है वो भी जितनी भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता नहीं है, बल्कि सारी लाइट जो होती है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में जो लाइट होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। जबकि जो एक ऑर्डिनरी ग्लास शीट होती है उसमें जब हम उस पर ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो वो जो लाइट है वो शीट को पार करके पूरी आगे चली जाती है, इसीलिए वो जो शीट है वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ती है। तो ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं
उनके ऊपर जब वो लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस चली जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के सर्फेस पे कोई लाइट पड़ती है और वो जो लाइट है वो वापस चली जाती है टकरा कर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो पॉलिश सरफेस, यानी जिस सरफेस पे पॉलिश होती है और जो शाइनिंग सरफेसेस होती हैं उस पे जो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वो सरफेसेस जिनमें पॉलिश नहीं होती है या जिनकी सरफेसेस डल होती हैं। यानी डल सरफेस और अनपॉलिश सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन कम होता है, शाइनिंग सरफेस और जो स्मूथ सर्फेसेज होती हैं उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो स्मूथ सर्फेसेज होती हैं उसमें लाइट जब पड़ती है तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में उसको फैलाती हैं, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन जब रफ सर्फेसेज पे कोई ऑब्जेक्ट कोई जो लाइट की रेज पड़ती है तो वो क्या करती हैं, वो हर डायरेक्शन में ऑल डायरेक्शन में उसको क्या करती हैं, फैला देती हैं। तो जो कमरे में जितनी भी चीज़ें होती हैं अगर हम लाइट जला दें तो रूम में रखी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कमरे की वॉल्स, रूफ, सरफेस सब रफ होती हैं और इनसे जब लाइट टकरा कर वापस आती है तो लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है और पूरे कमरे में फैलने के कारण हमें जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स कमरे में रखे होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन स्मूथ सर्फेसेज में लाइट जो होती है वो केवल वन डायरेक्शन में ही फैलती है। सिल्वर मेटल जो है वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा है, तो सिल्वर मेटल जो है वो लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। इसीलिए जो हम मिरर्स यूज़ करते हैं घर में तो उसके पीछे आप देखिए उसमें सिल्वर कलर की पॉलिश होती है जिससे कि एक थिन लेयर उसके ऊपर होती है सिल्वर कलर की, जिससे कि जो उसके ऊपर लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए और हमें हमारी इमेज बन जाती है। अ बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, जो लाइट रेज होती है उनके बंडल को, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उनके ग्रुप को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये टर्म्स देखिए, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ये आप देखिए डायग्राम, ये जो रे है ये पड़ रही है इस पे सर्फेस पे, सॉरी ये वाली रे जो ये सर्फेस पे पड़ रही है इसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है जो सरफेस पे, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे गिर रही है। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरी और रिफ्लेक्ट होकर ये जो ये वाली जो रे है ये जो वापस जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। द नॉर्मल इज ए लाइन एट एंगल राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो नॉर्मल है ये राइट एंगल पे गिरता है किसी सरफेस पे इंसिडेंस पे, ये राइट एंगल बनाते हुए ये नॉर्मल होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से शो करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से शो करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन लाइट का होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू तो उसमें दो रूल्स फॉलो होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए आप ये वाले फिगर से, जो आप फिगर देख रहे हैं, इंसिडेंट रे ये है
और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें एक ही सरफेस पे गिर रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही बेस पर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड रूल क्या है हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आई। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखिए फिगर में, ये देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। तो ये जो है वो सेकेंड रूल है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनी थिंग विच गिव्स लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जिससे हमें लाइट रेस मिलती है या जिससे लाइट रेस टकराकर वापस आती हैं और हमारी आंखों में उसका इमेज बनता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। मींस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है या ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। नेक्स्ट है इमेज। इमेज क्या है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि जिससे कि लाइट जो होती है जब हमारे ऑब्जेक्ट से आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में उसका इमेज बनता है। इमेज क्या होता है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि ऑब्जेक्ट से लाइट के रिफ्लेक्टर मतलब कि लाइट निकलती है और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में पड़ती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इमेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस क्या होती हैं, जो इमेजेस हमें स्क्रीन पे मिलती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो इमेजेस वाकई में बनती हैं, वाकई में रियलिटी में वो बनती हैं तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो सिनेमा हॉल, सिनेमा स्क्रीन में स्क्रीन होती है और जो हमारी टीवी में एलईडी में स्क्रीन होती है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल, क्योंकि इसमें स्क्रीन प्रेजेंट है। ठीक है, और द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो होती है स्क्रीन पे नहीं मिलती है। ये जो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो इमेजेस स्क्रीन पे नहीं बन मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसे हम हमारे घरों में मिरर होता है तो मिरर में हम अपना जो इमेज देखते हैं वो क्या होती है, वो रियल नहीं होती है, वो क्योंकि बनती नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि वो इमेज बन रही है लेकिन वो इमेज बनती नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे जो प्लेन मिरर्स होते हैं जो हमारे घरों में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर जल्दी हम आपके लिए प्रस्तुत होंगे, प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बाय।